विशेष करके वैष्णव आचार्य जो हैं उनके मतानुसार अकारात्रय संपन्ना महाभागवता स्मृतः। बेटा प्रणव, भागवत महाभागवत महाभाग कौन है ये? क्योंकि ये गोपियां महाभागवत हैं। अकारात्रय संपन्ना महाभागवता स्मृतः, तीन अकार जिनके पास हो, अकार मतलब अ से शुरू होते हुए तीन गुण जिनके पास हो वो महाभागवत है। और ये महाभागवत ऐसी गोपियों की आर्तता को समझकर प्रभु पुनः प्रकट हुए। कौन सी? पहला अनन्य भोग्यत्व, दूसरा अनन्य शेषत्व, और तीसरा अनन्य अर्हत्व। टेक्निकल वर्ड्स हैं लेकिन सरलता से समझें। ये तीन अकार अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्य अर्हत्व ये होना चाहिए। पहली है अनन्य भोग्यत्व, इसका अर्थ जीव या भक्त के रूप में हम केवल भगवान के भोग्य हैं। वी आर फॉर गॉड, फॉर द यूज ऑफ गॉड। भोग्यत्व का अर्थ हम केवल भगवान के भोग के लिए हो सकते हैं, संसार के भोग के लिए नहीं है। प्रयत्न क्या करते हैं हम संसार में, हम इनको खुश करें, इनको राजी करें, इनको प्रसन्न करें, इनको कुछ दुख बुरा न लग जाए, इनको, ये हम संसार भोगी हो गए, हम संसार के भोग्य बन गए। स्वभाव संसार का ऐसा है प्रिय स्वजनों, लाख कोशिश करो संसार कभी पूर्ण रूप से प्रसन्न होगा ही नहीं। मजाक में छोटा सा दृष्टांत देना हो, 10 साल तक अच्छा भोजन रसोई बना करके खिलाई, एक दिन सब्जी में नमक कम पड़ गया तो 10 साल में पानी फेर गए। व्यापारी के रूप में कोई व्यक्ति आपके पास आता था, सेठ जी 10,000 दीजिए ना, ले जाओ सेठ जी, जरा 25,000 की जरूरत पड़ी, हाँ ले जाओ, चलो हफ्ते भर में दे देना 50,000। जीवन भर आप देते रहे, एक बार वो व्यक्ति आया आपने उसको नहीं दिया, वो कहेगा आपके भरोसे तो नहीं रहा जा सकता। किसने कहा था तुम मेरे भरोसे रहो? अभी तक जो मैंने दिया वो तो मेरी भलमनसाई थी, मेरी उदारता थी, कोई ठेका तो नहीं ले रखा हमने तुम्हारा कि तुम जब आओ हम तुम्हें दे देंगे। तो 10 साल तक आप देते रहे उसको, जब आवश्यकता पड़ी 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपया, एक बार आपने नहीं दिया वो सब के कहेगा इनके भरोसे नहीं रह जा सकता, इनका भरोसे, मैं तो इनके भरोसे बैठा था, क्यों बैठा था? तो संसार को प्रसन्न करने की लाख कोशिश करो संसार कभी पूर्ण रूप से प्रसन्न होगा नहीं। तो भक्त तय कर लेता है अनन्य भोग्यत, मैं केवल मुझे मेरे प्रभु को प्रसन्न, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम अकाउंटेबल ओनली टू माय कृष्ण। हम संसार को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं, इसलिए हमारे सुख दुख आते रहते हैं। हमने उसको प्रसन्न करने का प्रयास किया, वो प्रसन्न हुआ तो हम खुश, वो प्रसन्न नहीं हुआ तो हम दुखी, क्या कमी रह गई, क्यों ये हुआ नहीं। अच्छी से अच्छी सब्जी बनाकर रखी और जब तक पति प्रशंसा नहीं करता कि आज की सब्जी अच्छी है, तब तक ये बहना के मन में विह्वलता रहती है। 3 रोटी खा गए अभी तक बोला नहीं सब्जी कैसी है, 4थी रोटी देते वक्त पूछेगी सब्जी कैसी लगी, वो कहेगा मुंह। हमारे सारे सुख दुखों का कारण यह है प्रिय स्वजनों, हम संसार के भोग्य बनते हैं। भक्त तय करता है मैं मेरे केवल प्रभु का भोग्य हूं।
मुझे केवल प्रभु को प्रसन्न करना है। और प्रभु के प्रसन्न होने से संसार प्रसन्न हुआ, वो संसार का ले, मुझे लेना देना नहीं, संसार प्रसन्न होगा। इसलिए जिन्होंने प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास किया, संसार ने उनकी प्रशंसा की, सभी भक्तों की। नरसिंह मेहता हो, मीराबाई हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, नानक हो, जितने भी भक्त हैं, उन्होंने प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास किया। वो एक एक के पास नहीं गए सबको खुश करने के लिए। दूसरी बात, अनन्य शेषत्व। शेष का अर्थ है बचा हुआ। मैथमेटिक्स में डिवीजन जब करते हैं ना, जैसे 30 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 फोर जार 28 और बाकी बचे वो दो, उसको कहते हैं शेष, बचा हुआ, रिमाइंडर, अंश। जीव ऐसा समझता है मैं प्रभु का शेष हूं, मैं प्रभु का अंश हूं, मैं दूसरे किसी का अंश नहीं। भगवद्गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में प्रभु कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतस्सनात। मेरे भगवान तो कहते हैं कि तुम मेरे अंश हो, और भगवान हमारे अंशी हैं। तो मैं प्रभु का हूं। और तीसरा, अनन्य अर्हत्व। संस्कृत में अर्हत्व का अर्थ है योग्यता, क्वालिफिकेशन, फिट, जो कहते हैं ना कि आई एम क्वालिफाइड। मैं केवल प्रभु के योग्य हूं, मैं प्रभु के लायक हूं। संसार के लायक बनने के प्रयास करते रहो, संसार कभी प्रशंसा करेगा, कभी जूते मारेगा। क्योंकि संसार का लायक बनना, उसका अर्थ है संसार के लोगों के स्वार्थ के अनुकूल नाचना, तो आप संसार के लायक हो। और संसार तो कभी ये कहे कभी कहे, ठिकाना कहां है उसका, वो तो असत है। पहले दिन हम चर्चा कर गए हैं तात्विक रूप में कि संसार स्वयं ठीक नहीं है, स्वयं स्थिर नहीं है। पति एक दिन पत्नी ने पिंक साड़ी पहनी तो खुश, दूसरे दिन कहेगा नहीं पिंक नहीं, आज पीली पहन, तू तय कर ले मन में तुझे पिंक चाहिए या पीला चाहिए, नहीं आज पीले का मूड है। संसार को खुश करने जाओगे, कितने लोगों के हाथ की कठपुतली बनोगे। ये तो ऐसी बात है कि टीवी का एक स्क्रीन हो और सामने पांच लोग बैठे हैं, पांचों के हाथ में रिमोट हो, टीवी के स्क्रीन की हालत क्या होगी, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ भी स्पष्ट न हो पाएगा। अब पांच लोगों के हाथ में रिमोट हो तो यह हालत, हमने तो संसार में हमारा रिमोट कितने लोगों के हाथ में दे रखा है, कोई कहीं से कुछ बटन दबाए। सभी की अपेक्षा अलग अलग है। कई बार कथा में दृष्टांत दिया है, परिवार के पांच लोग यदि हों उनको आप खुश नहीं कर सकते। ये हमारी बहनों को माताओं से पूछो जरा, रोज सुबह उनके दिमाग में प्रश्न उठता है कौन सी सब्जी बनाए, भिंडी की बनाएंगे तो बेटे को पसंद है बेटी को पसंद नहीं है, करेले की सब्जी बनाए तो बाबूजी को पसंद है बाकी किसी को पसंद नहीं है, बैंगन बनाओ तो बेटी को पसंद है बेटे को पसंद नहीं है, लौकी की बनाओ तो इनको पसंद है बाकी किसी को नहीं पसंद है। एक सब्जी है तुम्हारे पास जो घर में सबको पसंद हो, आलू को छोड़ के? कितनों को खुश करोगे, कितनों के योग्य बनने जाओगे? एंड दैट एड्स स्ट्रेस ऑन अवर माइंड। भक्त का मन शांत होता है, प्रसन्न होता है, क्योंकि उसने तय कर लिया अनन्य अर्हत्व।
मुझे केवल मेरे प्रभु के लायक बनना है बस। भक्त तो ये भी कहता है, मेरे में इतने दोष हैं कि संसार में कोई मेरा स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि संसार हमेशा निर्दोष का ही स्वीकार करता है जिनमें कोई दोष न हो। ये बड़ा विचित्र स्वभाव है संसार का। दिन रात झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो, जो अपने व्यापार में समझो झूठ बोलता हो क्लाइंट से, या तो कोई वकील हो, पता है उसको कि वो झूठ ही बोल रहा है, उसका जो क्लाइंट है उसने गुनाह किया है, लेकिन इधर उधर का झूठ 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 सब इकट्ठा करके वो क्लाइंट को जिता देता है। खुद तो जानता है ना कि वो झूठ बोला है। ऐसा व्यक्ति भी जब घर पे आए तो वो अपेक्षा रखता है कि मेरी पत्नी मुझसे सच बोले या मेरा पुत्र मुझसे सच बोले। वो स्वयं दुनिया से झूठ बोलेगा, लेकिन अपेक्षा रखेगा कि लोग मेरे साथ तो सच बोलने वाले चाहिए। दुनिया की चोरी करने वाला व्यक्ति भी ये चाहेगा कि कोई मेरी चोरी ना करे, मुझसे कोई चोरिया के ना ले जाए, वो दुनिया से चुरा कर लाएगा। ये स्वभाव है प्रिय स्वजन। संसार में खुद में लाख दोष पड़े हो, लेकिन वो अपेक्षा ये करता है कि मुझे जो चाहिए वो सब निर्दोष चाहिए। व्यक्ति का अपना स्वभाव क्रोधमय होगा, क्रोधी होगा, वो छोटी छोटी बात में उसका बॉयलर फटता है। अब वो जब अपने लिए कन्या ढूंढने, पत्नी ढूंढने निकलेगा, तो वो ऐसा सोचेगा कि भाई वो शांत हो। क्यों? नहीं, मेरा दिमाग छोटी छोटी बातों में हट जाता है तो सामने वाला ऐसा नहीं चाहिए। क्यों भाई? तू शांत हो जाना। कोई क्रोधी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं क्रोधी हूं, चलो सामने वाला भी क्रोधी मिल जाए। ये संसार का स्वभाव है। अपने दोषों को जानते हुए भी संसार सामने वाले में दोष रहितता की अपेक्षा रखता है, और यह तो हो नहीं सकता। प्रभु, मैं संसार के योग्य नहीं हूं। आप करुणा के सागर हैं प्रभु, आप पतित पावन हैं। मुझे पता है प्रभु, मैं एक बार आपके लायक हो गया ना, यदि मुझ में दोष रहेंगे भी तो आप वो दोष को दूर कर दोगे, जैसे माँ अपने संतान को स्वच्छ कर देती है। इसलिए प्रभु मैं आपके पास हूं। भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग में भगवान श्री कृष्ण ने एक गारंटी दी है, अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी एक बार मेरे पास आ जाए, अपिचेत सुदुराचार, चेत का अर्थ इफ, सुदुराचार अपि, दुराचार में भी सुदुराचार मतलब बिल्कुल गया गुजरा हुआ, भजते माम अनन्य भाक, अनन्य भाव से यदि वो मेरी भक्ति करता है तो साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु ही समझो। क्यों? सम्यक व्यवसितो ही सह, एटलीस्ट ही हैज मेड अ राइट रिजोल्यूशन, अब तो उसने अच्छे बनने का संकल्प किया, अब तो वो मेरी ओर मुड़ा,
ये करुणा प्रभु आपके सिवा अन्यत्र कहीं नहीं है, तो मैं आपके योग्य हूं। अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शिष्यत्व, शेषत्व और अनन्य अर्हत्व।